तो चलिए दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कहानी, मोह मार्जन। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसके मुंह में वह मधुमक्खी की तरह लिप्त था। देव योग से एक दिन उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। व्यक्ति उस विछोह को सहन नहीं कर पा रहा था। वह पत्नी की शव यात्रा में विलाप करते हुए कहने लगा, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अब मैं भी तुम्हारे साथ चिता में जलकर प्राण त्याग दूंगा। उस व्यक्ति पर उसके गुरु की बहुत कृपा दृष्टि थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो मन ही मन में सोचने लगे कि किस प्रकार इसको समझाया जाए। तुरंत ही उनके मन में एक युक्ति उत्पन्न हुई। वे हाथों में एक मटका लेकर शव यात्रा में शामिल हो गए और शमशान जा पहुंचे। जैसे ही लोगों ने उसकी पत्नी के शव को चिता पर रखा तो गुरुजी ने अचानक मटका जमीन पर पटक दिया। मटका टूटकर चकनाचूर हो गया। वे जोर जोर से विलाप करने लगे। अपने गुरुदेव का विलाप सुनते ही वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? आप तो इस संसार के माया जाल से विरक्त हैं। आज आपको रोना क्यों पड़ रहा है? अब गुरुजी ने उत्तर दिया, देख नहीं रहे हो, मेरा मटका हाथ से गिरकर टूट गया, इसलिए रो रहा हूं। तब वह व्यक्ति बोला, आप जैसे विरक्त व्यक्ति मिट्टी का मटका टूट जाने पर विलाप करें, यह उचित नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, मैं तो केवल रो रहा हूं। तुम तो पंच तत्वों से बने शरीर के निष्प्राण होने पर, प्राण देने पर उतर हो। गुरुजी के शब्दों ने व्यक्ति के विवेक को जगा दिया। तब उस व्यक्ति ने पत्नी का विधिवत संस्कार किया और अपने घर लौट गए।